आरोप लगे हैं, उसके पहले कई लोगों पर आरोप लगे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लक्षाग्रह की बू आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आ रही है। ये सारे साधु संत हमारे संस्कृति के राजनायिक हैं, जब इन पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो क्यों नहीं खड़े हो जाते सब लोग, क्यों नहीं ये कहते कि भाई इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाओ उसके बीच में एक गरिमा होनी चाहिए। ये स्पेशली मैं ये मीडिया को कहना चाहूंगा कि उसको ऐसा मत दिखाइए जैसे लगता किसी फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, ये हुआ वो हुआ, ये सबूत वो सबूत, ये देखो उधर देखो इधर देखो। अरे भाई वो हो रहा है, वो कानून है और कानून लड़ेगा, लेकिन अगर आपके देश के किसी संत के साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्यों नहीं गरिमा का इस्तेमाल करते, क्यों नहीं संयम का इस्तेमाल करते, क्यों? माफ करना, अगर यही चीज किसी और धर्म किसी और संप्रदाय में होती और ऐसा अगर उनका अगर ऐसा व्यवहार किया हो जाता तो तलवारें निकल आ जाती पुत्र, तलवारें निकल आ जाती। आप सबसे मेरी अपील है, हम जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हम अपने हिंदुओं के मापदंडों की सुरक्षा हम स्वयं करें। हम यदि कानून के भरोसे रहेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे तो संभव नहीं है। इसी देश में कानून एक की व्याख्या की जाती है लेकिन सबके लिए अलग अलग कानून की व्याख्या की जाती है, और जब लागू करना होता है तो अलग अलग प्रकार से लागू करते हैं। इसी दिल्ली में ताजे रात इंद की धाराएं, सीपीसी की धाराएं लागू होती है, लेकिन संसद विधानसभा में जब ये जूते चप्पल और माइक चलाते हैं तो वहां FIR दर्ज क्यों नहीं होता? बताइए आप, क्या भारत से संसद अलग है कि भारत से विधानसभा अलग है? यहां अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। आज हमारे भारतवर्ष के हिंदू मठ मंदिरों को अधिकृत कर लिया गया है, उन पर टैक्स लगाया जाता है, उन पर ट्रस्टी बैठा दिए गए। ध्यान रखिएगा, ट्रस्टियों के भरोसे हमारे मंदिरों की, मठ मंदिरों की, सनातन धर्म की हमारी सुरक्षा नहीं होगी। आज भी भारतवर्ष में जितने लगभग बड़े बड़े मंदिर मठ हैं उनको शासन ने अधिकृत कर लिया है, लेकिन एक भी ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जिसको शासन ने अधिकृत किया हो, एक भी कोई चर्च नहीं है, एक भी कोई गुरुद्वारा नहीं है। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमको तबादला करना होगा अपनी नीतियों में। पहले कहा जाता था जो तो को काटा बोए, ताई बोए तो फूल, तो को फूल को फूले, वा को है त्रिशूल। अब अमेंडमेंट करना होगा, जो तो को काटा बोए, ताई बोए तू भाला, वो पट्टा भी क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला, पड़ा किसी से पाला। हम बजरंग बली के हैं, हम सब में ब्रह्मचर्य की ताकत होनी चाहिए, संयम नियम की ताकत होनी चाहिए। केवल भाषण देने से सत्ता परिवर्तन या परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होंगी, हम सबको कमर कसकर आगे बढ़ना होगा। और सनातन धर्म की मर्यादाओं को मिटाने वाले इस दुनिया से मिट गए, रावण चला गया, हिरण्यकश्यप चला गया, बड़े बड़े लोग चले गए, इनकी औकात क्या है? आप सब जानते हैं, जो सनातन मिट न सका रावण का अत्याचार से, जो सनातन मिट न सका कंस की ललकार से, जो सनातन मिट न सका हिरण्यकश्यप की तलवार से, क्या वो सनातन मिट सकता है इस देश की नपुंसक सरकार से? दो कौड़ी की गवर्नमेंट हमारे सनातन धर्म के मापदंडों को मिटाने चली है। आप सबसे मैं अपील करता हूँ, या कानून के राज की बात करते हैं, यदि कोई गलत FIR दर्ज होता है, गलत उन पर कार्रवाई होती है, FIR दर्ज करने वालों पर, कार्रवाई करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारे श्री जयेंद्र सरस्वती जी के ऊपर आरोप लगाया गया, वो वहां से निर्दोष बरी हुए। आज देखिए, आज जो बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, उनका बीता हुआ साल, बीता हुआ समय, उनको मानसिक जो त्रास दिया गया, उसको दुनिया की कोई कानून, कोई अदालत, कोई न्यायाधीश, कोई संविधान वापस कर सकता है? बताइए आप, आज आपने बरी कर दिया, मानसिक त्रास मिला उनको, ये कानून में संशोधन होना चाहिए कि जो भी गलत उन पर आरोप लगाए किसी भी संत पर, यदि आरोप सिद्ध नहीं होता तो आरोप लगाने वाले ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए और उसी धारा के तहत उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन कानून कौन बनाएगा? ये कानून बनाने वाले खुद कानून का उल्लंघन करते हैं, अपनी सुविधा के लिए कानून बनाते हैं। इनका TADA पास होता है, संसद में बिल आ जाता है, बिना चर्चा के पास कर देते हैं। कबीरदास जी से एक बार किसने कहा, कोई प्रसंग छेड़ा, तो कबीरदास जी बोले, तू कहता है कागज की लिखी और मैं कहता हूं आखन की देखी। तो जो आज आंखें देख रही है, आज हर हर एक उस
भारत माता के सुपुत्र के सर पर एक टोपी लगी है, इस टोपी पर लिखा है बापू निर्दोष हैं, इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता। यदि बापूजी निर्दोष नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, और जो आज आपने आवाज बुलंद की है वो आवाज एक दिन बापूजी को लाएगी। जिस दिन बापूजी बाहर आएंगे ऐसे एक द्वार खोल के आएंगे, अब तो भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे। आसाराम बापू को जेल में रख के भगवान नहीं बन गए, ये बहुत कायर और कमजोर बन गए हैं। शेर पिंजरे में हो या बाहर हो, शेर तो शेर ही रहता है। ये मत समझो शेर को पिंजरे में बंद करने के बाद उसकी ताकत कम हो जाती है, ये इनकी भूल है बड़ी भारी। इन्होंने शेर को गहल कर दिया है, और शेर का जब वार होगा इन पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। कई लोगों का गलत फहमी हम प्रधानमंत्री बन गए, कई लोगों का गलत फहमी हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यहां तो जो चाहा संतों ने वो हुआ, और आज भी वही होगा, मैं मन से कह रहा हूं आप लोगों को। इस देश के तो एक चाणक्य ने अंगड़ाई ली पूरे अंग्रेजों को और यवन लोगों को बाहर खदेड़ कर छोड़ा। इस देश के वीरों ने अंगड़ाई ली, सारे देश को जाती थी। महर्षि स्वामी दयानंद जैसे, महाराणा प्रताप जैसे और शिवाजी मराठा जैसे लोगों ने यहां जन्म लिया और देशद्रोहियों का मुंह तोड़कर जवाब दिया है। इस देश में जब भी आपत्ति आई महाभारत से लेकर आज तक कोई भी संकट आया केवल मात्र संतों ने उसका जवाब दिया। आज भी संत जवाब देने के लिए यहां पर बैठे हैं। ये लोग रोप लगाते हैं बापूजी ये है वो है, अपने गर्भान में जाकर देखो सुप्रीम कोर्ट के जज पे एक आरोप लगता है, ये योग बिठाते हैं। संत पे रोप लगता है, एक सिपाही उसको पकड़कर ले जाता है। संत के लिए बहुत बड़ा है कि योग बनना चाहिए और उसका फैसला संतों ने ही करना चाहिए। सबसे सुरुच यहां तो सृष्टि और महाभारत के अंतकाल तक राजगुरु भी संत ही होते थे, राज ठीक चलते थे। इन्हें राजगुरुओं को तो नीचे बिठा दिया, ऊपर बैठ के इसलिए विनाश हो गया इस देश का। आपके बगैर यहां कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो हम पर जुल्म करेगी? सवाल सिर्फ आसाराम बापू का नहीं है, सवाल है एक परंपरा का। सवाल यह है कि क्या सरकार में इतनी ताकत है कि वो हमारे सम्मानित धर्माचार्यों को बेइज्जत करके जेल में घेर दे और फिर भी सरकार में रहे? आज के वक्त में हमारी सरकार 40 खरब रुपए जानवरों का वध करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से गोहत्या कराती है। वो पूरे देश से तमाम गोमांस सपोर्ट करती है, चमड़ों के प्रोडक्शन भेजती है, उससे 40 खरब रुपए आते हैं। उस 40 खरब रुपए को ना छोड़ने की वजह से गोहत्या हो रही है। Thank you.
आग लगी एक वृक्ष में, जल रहे तारे।